जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं इतनी खुश इसीलिए हूँ क्योंकि आज मेरे बेटे का बर्थडे है। और पहले हमेशा से अपना मनाते थे, आज अपने बेटे का मना रहे हैं, तो थोड़ी ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि ये मेरी लाइफ में पहली बार दिन आया। हर किसी के लिए जब उनका फर्स्ट बेबी होता है और फर्स्ट बर्थडे होता है तो सबका फर्स्ट ही होता है। सो मैं बहुत खुश हूँ। और मेरा बोलो हेलो, से हेलो बोल दो। फोन पे बात करना, आपको फोन पे हेलो बोलोगे ऐसे बेटा? ऐसे ऐसे टाटा 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 कर दो। नहीं नहीं करना है तुमको। आओगे बिट्टू को। और यहाँ पे मैं रूम की सफाई कर रही थी। मैं सोच रही थी कि कितनी जल्दी जल्दी काम निपट जाए, क्योंकि जब घर में कुछ होता है तो बहुत काम भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैं अपना जो भी डेली मॉर्निंग रूटीन होता है वो मैं कर रही थी, अपने सारे रूम्स की सफाई करूँगी। और फिर मैं यहाँ गई थी सोफ़ा झाड़ने। वैसे मैं रोज़ झाड़ती नहीं क्योंकि इतना गंदा होता भी नहीं। तो फिर मैं यहाँ पर बर्तन धोने आ गई थी। और यहाँ पे हो गया कि जब मैं साफ़ कर रही थी तो बार बार ना ये ढक्कन ना गिरी जा रहा था इसके ऊपर से, तो बहुत ही ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, तो मुझे हंसी आ गई। और एक बार नहीं, दो दो बार गिर गया था। तो यहाँ पे बाबू भी आ गया था बाहर से घूम के, और मैंने पूरा किचन अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था। बाकी जो भी अब नीचे की सफाई है मैं वो करूँगी, पोछा वगैरह लगाना। और यहाँ पे अब शाम भी हो गई थी, तो फिर यहाँ पे शाम हो गई तो सारे फ़िश फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि आज बाबू का बर्थडे है तो हम खाना भी खिलाने वाले हैं, तो फ़िश ही खिलाएंगे, यानी कि मछली चावल खिलाने वाले थे। हम बिहार साइड से हैं तो यहाँ पे ये सब ही ज़्यादातर खिलाया जाता है। बहुत लोग नॉनवेज नहीं खाते, पसंद नहीं करते, तो उनके लिए भी मैंने कुछ और बनाया था। तो यहाँ पे मैं लहसुन जो होता है वो छील के और इसका जो छिलका था वो मैं निकाल रही थी। और यहाँ पे जो वेजिटेरियन थे उनके लिए मैं आलू मटर की सब्ज़ी और खीर और पूड़ी बनाने वाली थी, तो मैं यहाँ पे पहले आलू मटर की सब्ज़ी बना रही थी। और वो जो फ़िश है मछली वो पीछे बन रहा था, क्योंकि मतलब चूल्हा जहाँ जलता है वहाँ पर बन रहा था। और मैं यहाँ पे सब्जी बना रही थी और मैं सोच ही भी रही थी कि जल्दी जल्दी काम निपट जाओ। और यहाँ पे मेरे बेटे को सारे ऐसे लेके घूम रहे थे, मैं कह रही थी यहाँ पे कि बेचारे को किसी ने कपड़े भी नहीं पहना दिए ढंग से। तो यही कह के मैं फिर हंसने लग गई थी। और ये देखिए, ये मेरे पास आने के लिए कर रहा, लेकिन मेरे पास काम बहुत ही ज़्यादा था। यहाँ पर अब डेकोरेशन स्टार्ट हो गई है, डेकोरेशन कर रहे थे। वो जो बाहर देख रहे हैं आप बैठे थे, वो एक मेरी दादी सास हैं और दूसरी मेरी बुआ दादी हैं। तो मैं यहाँ पे चली गई थी अब मेरे बाकी के काम करने। और वो जो पर्दे से के पीछे से जो झांक रही है वही है मेरी बुआ दादी। और यहाँ पे आरव भी मस्ती अपने पापा के साथ एंजॉय कर रहा था। और देखिए, मतलब उसने सुसु कर दी, तो ये नहीं कि उसको कोई पैंट पहनाते, इतना भी किसी के पास टाइम नहीं है, सब बिज़ी हैं अपने अपने काम में। तो मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, नहीं तो अगर मैं देखती तो उसको ज़रूर पहना देती, ठंड का टाइम हो रहा है। और शायद अभी उसकी पैंट उतार दी, क्योंकि इससे पहले तो मैं पहना के ही गई थी थोड़ी देर पहले। तो अब फिर उसके बाद मैं उधर गई, मतलब मैं बाकी के काम करने गई थी और मैं अब आ गई। मैंने बाबू को रेडी भी कर दिया था, तो मेरा बेटा एंजॉय भी कर रहा था, वो डांस भी कर रहा था। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी कि आप थोड़ा और काम रह गया तो आप पकड़ लीजिए बाबू को दो मिनट के लिए। तो मैं यहाँ पे अब उसको बाबू को उनके पापा को दे के और फिर मैं बाकी के काम कर लूँगी, क्योंकि बच्चे लोग हैं तो बच्चों के घर में तो जितना ही ठीक कर लो उतना ही ख़राब होता ही रहता है। तो मैं अब पीछे से सोफ़ा ठीक कर दूँगी,
क्योंकि पूरा बच्चों ने क्या, मैं ये सोफ़ा ये लगा के 3 बार ठीक करके गई हूँ और तीनों बार जब भी मैं इस रूम में आती हूँ तब तब ख़राब मेरे को मिलता है। तो मुझे फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ठीक ही होना चाहिए, ख़राब मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो मैं बार बार इसको ठीक ही करती रहती हूँ। हेलो वीडियो बन जा रही तू रो क्यों रे बावड़ी क्या कर रहा है साले की तो बात है काट लेंगे अरे कलवा रे तेरे खत्ते पर सब तो मिल ले लाई ना यहां रख मैं पूरी जिंदगी से काट लूं यहां से कर लो ये फोड़ भी दिए फोटो भी नहीं खींच पाए
अब यहाँ पे केक वगैरह कटिंग अच्छी तरीके से हो गई थी, तो यहाँ पे सबको खाना खिला रहे थे। तो ये छोटे छोटे बच्चे थे, ये अपने आप में मतलब कुछ कुछ तो फ्रेंड्स ये कुछ तस्वीरें हैं जो मैंने ली थी और मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग मेरी एक फैमिली हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ।